अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं क्रिकेट विद नदीम और मैं हूं नदीम। नाज़रीन वेलकम करता हूं आज के स्टॉक शो में। नाज़रीन बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के हवाले से छठा T20 मैच, जहां पर इंग्लैंड के बैट्समैनों ने पाकिस्तान को सही करके दौड़ डाला है, पाकिस्तान के बॉलर को सही करके दौड़ डाला है। फिर साल्ट की बात कर लें, एलेक्स हिल्स की बात कर लें, आप चाहे बात कर लें वो क्या है उनका मथु डकट उसकी बात कर लें, फिर इसके अलावा अगर आप बात कर लें और डेविड मिलान की, सही करके पाकिस्तान की बॉलर्स की जो है ना दुर्गत बनाई है और परखच्चे उड़ा के रखती हैं। क्या कमाल की बैटिंग हुई है, पावर हिटिंग हुई है सही मान में, जिस तरह की इंग्लैंड की क्रिकेट टीम आज खेल रही थी और जिसको हम मिस कर रहे थे कि ये इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है, ये पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसी क्रिकेट खेल रही है, तो आज उन्होंने पाकिस्तान से कोई बॉलर्स को सही नमक लगा करके जो है ना शिकस्त की और दुलाई की है। इस पर कंप्लीट डिटेल बात करेंगे पाकिस्तान की बॉलिंग के हवाले से। प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या बात करनी भाई, उन्होंने तो ऐसा पावर प्ले खेला है, हम पावर प्ले में जो है ना 40 रन पे दो खिलाड़ी आउट होते हैं, उनके पावर प्ले में भी दो खिलाड़ी आउट होते हैं लेकिन 82 रन के ऊपर दो आउट होते हैं। 6 ओवर में उन्होंने 82 रन बनाए हैं और अदर आई थिंक T20 की हिस्ट्री का जो था हाइएस्ट पावर प्ले के अंदर स्कोर वो था 98। और आज जो है ना इन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर, लाहौर की सरजमीन के ऊपर जो है ना हाइएस्ट स्कोर बना लिया है इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 ओवर में 82 रन। तो क्या कमाल की पावर हिटिंग देखने को मिली है, क्या क्लासिकल बाउंड्रीज ग्राउंड शॉट्स की आप बात कर लें चाहे आप जो भी बात कर लें, ठीक है हर तरफ से इंग्लैंड जो है ना आज चारों के निशाने जो है ना पाकिस्तान को चत करके रखती है और ठीक हो गया, अच्छा हो गया, सीरीज बराबर होगी, लेवर होगी, आखिरी मैच में इंशाल्लाह सही तरह से मिलेंगे। और देखें जिस तरह से आज इंग्लैंड ने जो है ना बैटिंग की है, का कमाल की बैटिंग की है और परखच्चे तो उड़ा के रखती हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉलर्स के। अब जो है ना शॉकिंग न्यूज़ जो है ना अगले T20 मैच के लिए भी है, जो सुपर डुपर संडे आने वाला है उसके लिए भी। आज अगर बात कर लें तो नवाज़ को भी मार पड़ी है, शादाब खान को भी मार पड़ी है, शाहनवाज धनी को बेचारे को बहुत ही ज़्यादा कुछ मार पड़ गई है। फिर इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर उसको भी पहले मैच की हीरो जनाबे वाला आमिर जमाल जिसको हम जो है ना सारा आंखों पर बिठा रहे थे आज, तो उसको भी जो है ना पहले ओवर में मेरे ख्याल से रादर 21 रन और 22 रन इस तरह के पड़े हैं, मेरे ख्याल से 3 चौके और 1 छक्का फिर 2 सिंगल्स आई थिंक, तो 20 रन उसको भी पड़े हैं 20-21 रन। और बात करेंगे देखें वसीम जूनियर के साथ भी एक्सपीरियंस बॉलर होना लाजमी था, चले खैर कोई बात नहीं, पाकिस्तान ने अपने यंग जो दो तब्दीलियाँ की थी उनके साथ किए थे, लेकिन बात सुनिए उन्होंने दो तब्दीलियाँ जो की थी वो तो ना ही होने के बराबर हैं। पाकिस्तान ने बैटिंग में तो कम बैक किया लेकिन आज जिस तरह की लाहौर की पिच थी और वो तो लग ही नहीं रहा था कि ये पहले मैच वाली पिच है, आज तो उसके ऊपर सही चौके और छक्के लग रहे थे इंग्लैंड की जानब से और इंग्लैंड की तरफ से क्लीन पावर हिटिंग मिली है और क्या ज़बरदस्त शो देखने को मिला है और थ्रिलर मैच तो नहीं कह सकते आप इसको, लेकिन बैटिंग उनकी मैंने भी इंजॉय की है और उन्होंने जो है ना जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश की है ताकि खाना जो है ना ठंडा हो रहा था तो उन्होंने जाके खाना था। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर अगेंस्ट पाकिस्तान इन T20s टू नाइट जो आज के जो है ना 82 रन बनाए हैं एक विकेट के नुकसान के ऊपर इंग्लैंड ने, फिर 69 बनाए हैं इंग्लैंड ने ही 2021 के दरमियान, फिर बांग्लादेश ने 68, साउथ अफ्रीका ने 66 2007 में, फिर इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ ने 2021 में 66 रन बनाए थे और इंग्लैंड ने 2021 में 66 रन बनाए थे। तो आज पाकिस्तान के अगेंस्ट फिर जो है ना हाईएस्ट स्कोर बन गया है 82 रन, ये सबसे बड़ा ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर है। और जिस तरह से एलेक्स हिल्स ने जो कि तबाहकुन और फिल साल्ट ने जिस तरह की इनिंग खेली है यकीन मानिए इस तरह की पावर हिटिंग और क्लीन हिटिंग नाजरीन में आपको क्या बताऊँ कि मैं तो विश करता हूँ कि हमारे ओपनर भी इसी तरह की पावर हिटिंग करें। हमारे पास ओपनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, लेकिन हम उनको चांस ही नहीं देते, हम ज़ाती रंजिशें और आगे पीछे इन चीज़ों के ऊपर लगे हुए होते हैं। तो आज पाकिस्तान के बॉलर कुछ जो है ना पहले से ही आगाज़ नहीं कर पाए क्योंकि इंग्लैंड ने शुरू से ही उनकी क्रिकेट उनकी बैटिंग यही है, उनकी अप्रोच यही है, आ ही जाओ तो मारी जाओ तो मारी जाओ, ठीक है उन्होंने ये नहीं सोचना होता, उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड नहीं करनी होती। जब आप खुद जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स ही आगे सोचते हो तो फिर आपके खुद ऑटोमेटिकली जो है ना रिकॉर्ड्स भी बनते हैं और आपके प्लेयर्स रन भी स्कोर करते हैं। आप देखें ना 41 बॉल के ऊपर फिल साल्ट ने भी जो है ना बनाए हैं 87 रन, जिसमें तकरीबन उसने
10-12 तो चौके लगाए हैं और 3 छक्के लगाए हैं उसने। तो बाबर आजम की भी इनिंग्स आप देख सकते हैं, बाबर आजम ने क्लासिकल इनिंग खेली और इसने जो है ना थ्रिलर खेला है पूरा, इसने जो है ना तपाही फेरी है पाकिस्तानी बॉलर के ऊपर जो है ना, पर खचे उड़ा के रख दिए हैं। तो नाज़रीन ये बेहतरीन और शानदार जो है ना इन्होंने खेल का मुजाहरा किया है। और फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो लेग सेल्स ने जो है ना 12 बॉलों के ऊपर 27 रन बना के उन्होंने भी तबाहकुना आगाज दिया है। फिर इंग्लैंड के बल्लेबाजों की जानब से कमाल की बैटिंग हुई है आज, ठीक है आपको मानना पड़ेगा। आखिरी मैच के अंदर पाकिस्तान को जो है ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आगे सोचना पड़ेगा और जो है इनको तकरीबन अपनी बेस्ट प्लेइंग 11 खिलानी होगी और रिजवान भी ऑब्वियसली कम बैक कर लेंगे, हारिस रूफ भी आ जाएंगे। फिर पाकिस्तान अगर मैं तो कहता हूँ हसनैन के साथ ना ही जाएँ तो बेहतर है, क्योंकि वसीम जूनियर ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है और बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं पाकिस्तान की टीम जो है ना अगर करेगी इस तरह से, जिस तरह से आज शहनवाज धानी ने पहले ओवर में 22 रन दिए हैं, देखिए कहाँ गए इंसाफ खुदा के बंदे चलो 12 रन खा लेते फिर भी, लेकिन 22 रन उसको पड़े हैं पहले ओवर में। और देखें हालात बहुत माड़े थे पाकिस्तान की बॉलिंग, और बाबर आजम तो ऑब्वियसली आज जीत लिए हैं, लेकिन धुआंधार की बदौलत, धुआंधार ये नहीं होती भाई, धुआंधार होती है जिस तरह से फिर शॉट ने खेली है, लेग सेल्स ने खेली है ना, और टारगेट अच्छा था लेकिन पाकिस्तान के बॉलर जो है ना उसको नाकाम ना नहीं कर सके और कामयाब हो गया। इंग्लैंड की जो है ना आपको पता है जिस तरह की स्ट्रेंथ है उसने उस तरह से अपनी बैटिंग जारी रखी है, और पाकिस्तान को आज उन्होंने नानी याद करा के रखी, उन्होंने कहा आओ ना भाई बस बहुत मज़े ले लिए, फिर दो गेमों में भी आप लोग, हम लोग एंड में जाके आ रहे हैं तो आज आप लोगों को बताते हैं कि बैटिंग किस तरह से होती है। और इंग्लैंड ने जो है ना चौक करके रखा है। शादाब खान आज फिर जो है ना 2 विकेटें ले सके हैं पूरे मैच के अंदर उन्होंने, हमारा सिर्फ एक ही कामयाब ओवर रहा है वो ही रहा, अलेक्स हेल्स को भी जो है ना उसने आउट किया है, और फिर इसके अलावा जो है ना डेविड मिलान को भी उसी ने आउट किया है। बाकी अगर बात की जाए तो नवाज़ भी जो है ना बिल्कुल ही फारिग रह गए हैं। आपको मैं बता देता हूँ कि नवाज़ ने कितने रन दिए हैं, नवाज़ को आज मेरे ख्याल से 4 ओवर में 43 रन लगे हैं रादर, तो चलिए 1 मिनट में देखता हूँ जी, मोहम्मद नवाज़ को 4 ओवर में 43 रन लगे हैं, शहनवाज धनी को 2 ओवर में 33 रन, कहाँ का यार में यार है, मोहम्मद वसीम जूनियर को 2.3 ओवर में 29 रन, और शहजाद खान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है 4 ओवर में 34 रन 2 विकेट, और आमिर जमाल को भी 2 ओवर में जो है ना 30 रन उन्होंने मार दिए। जा भाई बस बहुत हो गए मज़े, आप तुझे बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट क्या होती है। और फिर शॉट ने जो है ना 88 रन की इनिंग खेली और 41 बॉल्स के ऊपर 13 चौके और 3 छक्के लगाए हैं उसने, अलेक्स हेल ने 4 चौके और 1 छक्का लगाया और 27 रन बनाए हैं, और इसी तरह से डेविड मिलान ने 18 बॉल्स के ऊपर 26 रन 5 चौके लगाए हैं, और इनके मातू बिन टकट 26 रन बनाए हैं 16 बॉलों के ऊपर 4 चौके लगाए हैं, और पाकिस्तान के ऊपर फुल हावी रहा है। पाकिस्तान ने बैटिंग में करके दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर को अच्छी परफॉर्मेंस देनी होगी। देखें शान मसूद ने भी परफॉर्मेंस नहीं दी, हैदर अली को भी अपनी टीम में जगह बरकरार रखनी है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो परफॉर्मेंस देनी होगी, अब एक मैच इनके पास बचा है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली पाकिस्तान के स्क्वाड में चेंजिंग होंगी। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोहली शाह के ऊपर ऑलरेडी जो है ना क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है उनकी परफॉर्मेंस उस तरह की नहीं है, तो पाकिस्तान को मिडल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करने के लिए अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर लाने होंगे, ऐसे नहीं है भाई ऐसे नहीं चलेगा। और बाबर आजम और रिजवान कब तक हमें जो है ना जितवाते रहेंगे और कब तक हमारी इज्जत बचाते रहेंगे, देखिए 2 प्लेयर्स के ऊपर टीम नहीं बनती, टीम होती है 11 प्लेयर्स की, ठीक है जो ग्राउंड के अंदर खेलती है उस टीम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उनके 11 के 11 प्लेयर जो होते हैं उनको परफॉर्मेंस देनी होती है और अच्छी परफॉर्मेंस देनी होती है, जिस तरह से देखें ना इंग्लैंड की क्रिकेट टीम परफॉर्मेंस दे रही है। ये शुक्र करें आप सीरीज़ जो है इंटरेस्टिंग होगी है, 3-3 से लेवल होगी और 7वां मैच इंशाल्लाह परसों में है, और आखिरी सीरीज़ का आखिरी मैच है और फैसला कौन मैच है, इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा और फाइनल होगा, और फैंस की डिमांड बहुत ज़्यादा है जी, टिकटों की बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि टिकट हमें चाहिए, लेकिन हाउस फुल होगा संडे का, और संडे आपको पता है सुपर संडे होता है, फिर उसके बाद जो है ना ऑब्वियसली 1 या 2 दिन के बाद जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है ना ट्रैवल कर जाना है न्यूजीलैंड करके ट्राई नेशनल सीरीज़ में, वहाँ पर जो है ना ऊपर नीचे मैचेज हैं उनको भी इंशाल्लाह फुल रिकवर करने की कोशिश करेंगे। तो बस नाज़रीन आप लोग जो है ना वीडियो तो देखते हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो,
आप जो है ना सब्सक्राइब कर दें इंशाल्लाह, अगर अच्छा लगता है आपको मेरा कंटेंट, अच्छा लगता है क्रिकेट के ऊपर बात करनी अच्छी लगती है। देखिए मैं कुछ इतना बड़ा बंदा नहीं हूँ, इतना बड़ा जर्नलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे माइंड में होता है, जो मेरे दिल में होता है, ठीक है, मैं ज़्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करता। क्यों मैं क्यों करूँ, मेरे अपने प्लेयर्स हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं यार, उनके सीने के ऊपर सितारा लगा हुआ है पाकिस्तान का, ठीक है। जिस तरह से भी वो एक लेवल पे जाके पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, और मैं एक बतौर क्रिकेट फैन होने के नाते जो है ना, मैं क्रिटिसिज्म करना मेरा हक ही नहीं बनता। मैं अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करूँ, चाहे वो खुश दिल, चाहे आसिफ अली, चाहे जो भी हैदर अली, ठीक है, चाहे जो कुछ भी। हाँ, फैंस की डिमांड होती है कि हमने ये वाला प्लेयर देखना है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं। जिस तरह से शिवजीर खान आ गया, शुएब मलिक आ गया, जो तेज खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, जिनकी डिमांड होती है, हम उनको अपनी जर्सी में देखने जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर बात करते हैं। वो तो आप पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का मसला है कि वो उन प्लेयर्स को शामिल करती है या नहीं करती। तो हम तो सिर्फ जो है ना बात कर सकते हैं ना, अपने इस चैनल पर आप लोगों के साथ बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक प्लेटफॉर्म यही होता है, हम अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। तो इंग्लैंड को बहुत बहुत मुबारक हो ये वाली जीत, उन्होंने कंग्रेचुलेशन इंग्लैंड के आर जितने भी प्लेयर थे, उन्होंने बॉलिंग में भी अच्छा किया, उन्होंने बैटिंग में भी अच्छा किया, और बैटिंग में तो उन्होंने तबाही फेर के रखी है। उन्होंने जो है ना पाकिस्तानी बॉलर के परखचे उड़ा के रख दिए, फिर स्टार्ट ने जो है ना तबाही लगाई है, पूरी आग लगा दी है उन्होंने। और देखें उनका स्ट्राइक रेट, देखें 214 का स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके गए हैं, और उन्होंने तकरीबन 14 छक्के 3 ओवर में ये ना फास्ट टारगेट उन्होंने चेस किए। देखें आप इमेजिन करें कि इस टीम ने जो है 165 रन भी चेस नहीं किया अगेंस्ट कराची के अंदर, पाकिस्तान के अगेंस्ट कराची के अंदर, और 145 रन का टारगेट चेस करते हुए जो है ना ये टीम फेल हो गई थी। लेकिन देखें अब जब इन्होंने कम बैक किया पाकिस्तान के होम ग्राउंड के ऊपर, और पाकिस्तान के जो क्राउड था वो तो जा चुका था, जब उन्होंने देखा कि यार ये तो बहुत कुत्तेबाजी हो रही है हमारे साथ, वो छके चौके लग रहे थे, तो वो तो चले गए थे और ग्राउंड खाली हो गया था। इंशाल्लाह आपके साथ और भी इंशाल्लाह प्लेइंग 11 डिस्कस करूँगा पूरी, और लॉन्ग डिस्कशन करूँगा इंशाल्लाह। देखेंगे पाकिस्तान को कौन सी जो है ना फिलिंग दी ब्लैंक्स करनी है, उनको पुर करने हैं, पाकिस्तान को बैटर्स को परफॉर्मेंस देनी होगी। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर जो है ना उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दे रहा था। आजकल की T20 की क्रिकेट की डिमांड आप देख सकते हैं, ये होती है T20 की क्वालिटी बैटिंग्स। तो प्रोग्राम अगर आपको पसंद आया नाजरीन, तो आप इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।